Hello lovely students, today we will complete these remaining topics of chapter conservation of plants and animals. क्योंकि इसके पहले टॉपिक हमने पहले फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे. Let's start from conservation. What is conservation? Wise and judicious use of natural resources is known as conservation. अब कंजर्व क्या करना है, क्या हमें सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, वो क्या है? वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. तो इसके लिए थ्री वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, प्रोटेक्ट, सेव, इंक्रीज नंबर्स. मींस हमें वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का नंबर इंक्रीज करना है, उसको सेव करना है, किसी भी तरह से हार्म नहीं होने देना है. अब इसके लिए एक यूनियन है, गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, और वो गवर्नमेंट के जो सारे स्टेप लिए जा रहे हैं तो वो एक यूनियन सारा ये काम देखती है. उस यूनियन का क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इट इज नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. And for this, they keep all this record in one book. अब वो book क्या है? जिस book में सारे species का record रखा जाता है, उनकी category के base पे, तो वो book कौन सी है? Rare Data Book, जिसमें उनकी सभी species का record मिलता है. अभी हम species की category की बात करते हैं कि कौन कौन सी category में उनको रखा गया है. तो फर्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इट मींस स्पीसीज व्हिच हैव बीन लॉस्ट फॉर फॉरएवर, जो सब वो खत्म हो चुकी हैं. उनका एग्जांपल है साइबेरियन टाइगर, इंडियन चीता एक्सेट्रा. अब दूसरा है थ्रेटन्ड स्पीसीज, मींस जिनका नंबर रिड्यूस हो रहा है नेचुरल हैबिटेट में डिस्टरबेंस की वजह से, वो कम होती जा रही है. तो उनका एग्जाम्पल है एलिफेंट, गोल्डन कैट, पाइथन एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन एंडेंजर्ड स्पीसीज, इट मींस वो भी खतरे में है, तो वो भी एक्सटिंक्ट में आ सकती हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना है. अगर कंटिन्यूसली डिस्टरबेंस होता रहा तो ये स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं. इसमें है एसेटिक लाइन, ब्लू व्हेल. नेक्स्ट वन इज वल्नरेबल स्पीसीज. अब ये क्या होता है? इट मींस जो स्पीसीज अभी तो है लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो आगे चलकर वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएगी, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. एग्जांपल ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर. नेक्स्ट रेयर स्पीसीज. रेयर स्पीसीज मींस जो बहुत कम है, पहले से ही जिनकी संख्या कम है या बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो उसमें एग्जांपल है मॉन्सी एंड हिमालयन पॉर्क्यूपाइन. अब इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज बनाए. वो एरियाज हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एनिमल्स को फ्रीली रखा जाता है, वो फ्रीली वहाँ रहते हैं और एक नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, और जो लोग वहाँ रहते हैं उनको परमिशन होती है कुछ एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि अपने कैटल्स को वो ग्रेजिंग के लिए लेके जा सकते हैं. फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, मीन्स जो फ्रूट हो गए या जो भी उनके लीव्स वगैरह एज अ मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं, तो उनको वो कलेक्ट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है नेशनल पार्क. नेशनल पार्क क्या? पहली बात की नेशनल पार्क, मोर देन 100 नेशनल पार्क यहाँ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. और वाइल्ड लाइफ में वो फ्रीली रह सकते हैं, बट लोगों को परमिशन नहीं होती किसी भी एक्टिविटी के लिए, ना तो वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं और ना ही वहाँ ग्रेजिंग करवा सकते हैं. उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व. सो दिस इज अ प्लेस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ अ ट्राइब्स. तो यहाँ ये एक नेचुरल हैबिटेट में फ्रीली रहते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर. आवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वन प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर, एंड इन दिस प्रोजेक्ट
Government want to ensure the survival and maintenance of the tiger population in our country. Example, Kanha Tiger Reserve in Madhya Pradesh. ऐसे और भी बहुत सारे places हैं, but मैंने यहाँ आपको ये इसका एक example दिया है. दूसरा भी है तदोवा. तदोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है. अब माइग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक. माइग्रेशन मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. पर इसमें हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर नेचुरल प्लेस टू दी अनदर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम एवरी ईयर. एग्जाम्पल, साइबेरियन क्रेन, ग्रेट व्हाइट पेलिकन. अभी क्या होता है, ये बर्ड्स क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं क्योंकि इनको सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, वो सूटेबल क्लाइमेट चाहिए. अब रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग मींस ओल्ड थिंग्स को न्यू थिंग में कन्वर्ट करना. अब न्यूज़पेपर है, रफ नोटबुक है, तो उनको गलाकर एक न्यू पेपर तैयार किया जाता है जिसे हम फिर से यूज करते हैं, तो वो प्रोसेस रिसाइकलिंग हो गया. मींस रीयूज ऑफ पेपर्स या कोई भी चीज हो तो उसका रिसाइकल करना, उसको वापस नई फॉर्म में लाकर यूज करना. अब रिफॉरेस्टेशन मींस प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज. अब ज्यादा से ज्यादा ट्री ग्रो करेंगे तो फिर से एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा. दूसरा, हम इसे रीस्टोर और कैसे कर सकते हैं? जो डिफॉरेस्टेशन हो चुका है अगर उस लैंड को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, मीन्स हम उस लैंड पे कोई भी किसी भी तरह की डिस्टरबेंस ना करें, तो कुछ प्लांट्स खुद से ग्रो हो जाते हैं, तो वापस वहाँ रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा. तो इसलिए हमें ऐसे प्लेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि जो वाइल्ड ट्रीज होते हैं वो खुद से तो ग्रो होते हैं, उसके लिए कोई हमें पानी नहीं देना, कुछ नहीं करना. जब उनका फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो ग्रो हो जाएंगे, तो इस तरह से रिफॉरेस्टेशन होगा. आज के लिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है. बाय, फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ.